तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल बड़े सब। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं GT5। और गाइस मेरे को काफी कमेंट्स आ रहे थे कि बोल भाई न्यू वाली महिंद्रा थार वर्सेस ओल्ड वाली महिंद्रा थार करो। तो गाइस फाइनली आज हम इन दोनों गाड़ियों के बीच यहां पे बैटल कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई इन दोनों गाड़ियों में से आज जो है भाई कौन सी कार जीतेगी। वैसे गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में अभी से गैस करके बताओ कि अपनी न्यू वाली थार जीतेगी या अपनी पुरानी वाली थार जीतेगी। तो गाइस देख सकते हो ये तो खड़ी है भाई अपनी नई वाली थार और इधर की तरफ में खड़ी है भाई अपनी पुरानी वाली थार, जो कि मतलब सही में यार ऐसा लगता है आज भी यार ये मूवी वगैरह में ना काफी ज्यादा भाई यूज करी जाती है भाई अपनी ओल्ड वाली थार। और बाकी हाँ गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को पहले यहाँ पे बता दूं कि ये वीडियो आपके ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इस वीडियो का भाई रियल लाइफ की गाड़ियों से कोई भी मतलब नहीं है। अगर जो लोग भाई इन गाड़ियों को रियल लाइफ से यहाँ पे कंपेयर करने आए हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अभी इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज यार गाइस ये गेम है और गेम में भाई आप लोग किसी भी गाड़ी का रियल परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकते, बिकॉज यार गाइस ये जस्ट अ गेम है। तो आप लोग इस चीज को भाई गेम के वे में ले रहे हैं, रियल लाइफ से आप बिल्कुल भी यहाँ पे कंपेयर मत करने लगना। तो गाइस सबसे पहले तो भाई हम दोनों गाड़ियों को यहाँ पे टॉप स्पीड टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे कौन सी कार की है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले भाई लेते हैं अपनी पुरानी वाली थार को और देखते हैं इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी रहने वाली है। तो ये चली गाइस अपनी ओल्ड थार एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो भाई गाड़ी का लुक देखो यार, आज भी ये गाड़ी ना काफी बेहतरीन और शानदार दिखती है और आज भी ना आजकल मतलब मूवीज वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करी जाती है यार। आप लोगों ने देखा ही होगा भाई साउथ वाउथ की मूवी तो बहुत यूज़ करते हैं लोग। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अपनी जो ओल्ड वाली थार है वो 179 भाई साहब 180 पार कर चुके। ओ गाइस यहाँ पे 183 182 लेट्स को 183 जा चुकी है मैक्स। एंड क्या लग रहा है गाइस 182 183 हो रही है, तो आई थिंक से जो अपनी गाड़ी है वो अभी मैक्स RPM पर पहुँच चुकी है और शायद अब इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी शायद मे बी गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो अपनी पुरानी वाली तार है उसकी जो मैक्स स्पीड है वो है भाई 183 किलोमीटर पर आर। अभी देखते हैं न्यू वाली की कितनी है। तो ओके गाइस अभी लेके चलते हैं भाई अपनी न्यू वाली महिंद्रा थार को और देखते हैं न्यू वाली महिंद्रा थार की जो टॉप स्पीड है वो कितनी निकल के आती है, क्या ये अपनी ओल्ड वाली थार से भाई ज़्यादा स्पीड है। आओ देखते हैं गाइस क्या होता है। ये चली गाइस अपनी न्यू वाली थार, भाई मैं ओल्ड वाली बोलने जा रहा था। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई 130 काफ़ी इजीली पहुँच गई अपनी कार, मतलब काफ़ी कम टाइम में 150 भी पार कर चुकी है, 160 पार कर चुकी है गाइस, 170 ओ यहाँ पे 170 पार कर चुकी है। अभी देखते हैं टॉप स्पीड कितनी रहती है, 180 हो चुकी है गाइस, 182 182, क्या ये 183 जाएगी क्योंकि अपनी ओल्ड थार 183 तक गई थी गाइस। लेट्स सी क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओ 184 हो गया गाइस लेट्स को। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो नई वाली थार है वो भाई एक नंबर से ज़्यादा जीती है, मतलब एक नंबर। देख रहे हो भाई कितनी क्लोज बैटल चल रही है भाई दोनों गाड़ियों के बीच में। ओ गाइस मतलब आज तक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो बैटल रही है ना भाई वो है अपनी ओल्ड वाली थार वर्सेस न्यू थार, क्योंकि आप देख सकते हो जो दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड है वो बस एक नंबर ज़्यादा है भाई अपनी नई वाली थार की। एंड इससे ज़्यादा लंबा ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और अरे भाई साहब गाड़ी ने क्या खतरनाक ड्रिफ्ट मारा था। तो गाइस अभी देखते हैं दोनों की ड्रैग रेस में कौन सी कार जीतती है। तो ओके गाइस अभी इन दोनों गाड़ी के बीच में यहाँ पे ड्रैग रेस कराते हैं और देखते हैं भाई दोनों की ड्रैग रेस में कौन सी कार जीतेगी। यहाँ पे हम ड्रैग रेस में 2 राउंड कराने वाले हैं और दोनों राउंड में क्या हुआ कि मैं बारी बारी दोनों गाड़ी को चलाने वाला हूँ। तो फर्स्ट राउंड में तो मैं अपनी ओल्ड थार को चलाऊंगा एंड सेकेंड राउंड में न्यू वाली थार को चलाएंगे। और गाइस जो अपनी ड्रैग रेस है वो यहाँ से लेके भाई मैं लगाने वाला हूँ GPS और वहाँ तक रहने वाली, मतलब इतनी लंबी हम ड्रैग रेस कराने वाले हैं दोनों गाड़ी के बीच में। अभी देखते हैं भाई यहाँ पे ड्रैग रेस में कौन सी कार जीतेगी। तो फटाफट से गाइस करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस यहाँ पे अपनी ड्रैग रेस हो चुकी है स्टार्ट एंड 1 2 3 एंड गो। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई पुरानी वाली थार जो है भाई पहले लॉन्च हो गई है और नई वाली थार अपने पीछे आ रही है गाइस। लेट्स सी कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी कार जीतेगी। वैसे आप लोग देख सकते हो बैटल जो है काफ़ी खतरनाक चल रही है, काफ़ी क्लोज है दोनों कार यहाँ पे। और अभी धीरे धीरे करके भाई अपनी ओल्ड थार भाई अपनी पुरानी थार को पीछे छोड़ते जा रही है गाइस। ओ नो 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 नो, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ओ भाई गाइस मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइवर का पंगा हो सकता है, ठीक है अभी सेकेंड राउंड जब हम करेंगे तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आप लोग देख सकते हो भाई नई वाली जो थार है वो काफ़ी तेज़ी से आ तो रही है, बट गाइस यहाँ पे अपनी ओल्ड थार ने अच्छा खासा गैप बना दिया भाई दोनों गाड़ियों के बीच में। एंड फर्स्ट राउंड की तो गाइस अपनी जो क्लियर विनर रहने वाली है वो है भाई अपनी पुरानी वाली थार
अभी देखते हैं सेकंड राउंड में क्या अपनी नई वाली थार जीत पाएगी। ऑल येलो भाई गड़बड़ हो गई है, ओ नो नो गाड़ी ठुक गई है गाइस पीछे से। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं सेकंड राउंड में कौन सी कार जीतेगी। ओके गाइस अभी अपना सेकंड राउंड होने वाला है और सेकंड राउंड में देखते हैं भाई कौन सी कार जीतेगी। इस बार मैं नई वाली थार को चला रहा हूँ एंड लेट्स गो, देखते क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो ड्रैग रेस है वो हो चुकी है स्टार्ट और भाई साहब अगेन भाई अपनी ओल्ड वाली थार पहले लॉन्च हुई है और अपनी पुरानी वाली थार देर में लॉन्च हुई है। बट गाइस यहाँ पे मैंने जैसे कि पिछली बार बोला था थोड़ा सा ड्राइवर का पंगा हो सकता है और वो चीज़ यहाँ पे पता भी लग रही है। अभी आप देखते हो तो अपनी जो न्यू वाली तार है वो भाई आगे है और जबकि भाई अपनी पुरानी तार पहले यहाँ पे लॉन्च हुई थी। बट गाइस आप लोग देख, अरे भाई पुरानी तार तो क्या आ रही है यार गोली की तरह। वो उसको देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो गई थी थोड़ा सा। बट हाँ ये तो है भाई, अपनी नई वाली थार और पुरानी वाली थार के जो बीच में डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मतलब जब पहले राउंड हुआ था उसमें आपने देखा था डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, बट यहाँ पे पुरानी थार भाई जो है काफ़ी कम डिस्टेंस बना के रखा है। तो गाइस यहाँ पे ड्रैग रेस में तो यार दोनों गाड़ी को मैच में हम बोल सकते हैं जो मैच है वो ड्रॉ रहा है क्योंकि एक बार मतलब दोनों राउंड में एक एक कार जीती है। अभी देखते हैं भाई जो टोइंग चैलेंज है वहाँ पे कौन सी कार जीतेगी, वहाँ पे गाड़ी का असली पावर पता लगने वाला है कि कौन सी गाड़ी में कितनी ज्यादा पावर होने वाली है। तो गाइस अभी होने वाला है भाई दोनों गाड़ी का पावर टेस्ट और यहाँ पे गाइस अपनी गाड़ी को टो करके ले जाना है ये इंडियन लॉरी ट्रक को अपना ये फिनिश लाइन तक। अभी देखते हैं भाई दोनों गाड़ियाँ इस इंडियन लॉरी ट्रक को कितनी ईजिली तरीके से जो है भाई टो कर पाती है। तो काम करते हैं इस बार शुरुआत करते हैं भाई अपनी नई वाली थार से और देखते हैं ये इसको टो कर पाएगी या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने रस्सी बांध दी है और अभी खींचना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना ट्रक को ये खींच पाती नहीं। तो ये चली गाइस अपनी पुरान नई वाली थार और देख सकते हो काफ़ी सही खींच रही है, मतलब काफ़ी दिक्कत तो नहीं हो रही है बट हाँ पावर लगानी पड़ रही है, पर स्पीड भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब 7 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से जो है भाई इसने अपने ट्रक को यहाँ पर खींचा है एंड अभी देखते हैं पुरानी वाली थार कितने स्पीड से खींचती है। तो गाइस अभी अपनी पुरानी थार की बारी है और देखते हैं ओल्ड इज गोल्ड निकलता है या नहीं। तो ये चली थार और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो भाई अपनी पुरानी थार को जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है, भाई गाड़ी के टायर स्किट मार रहे हैं बट स्टिल गाड़ी जो है भाई अपने ट्रक को यहाँ पर खींच रही है। और अगर कंपेरिजन करा जाए अपनी नई थार से तो पुरानी थार को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब गाड़ी जो है उसके टायर काफ़ी स्किट मार रहे हैं बट हाँ ये है कि भाई अपना जो गाड़ी है वो अपने ट्रक को यहाँ पर खींच रही है और फाइनली भाई इसने भी अपना फिनिश लाइन तक इसको पहुँचा दिया है। तो गाइस अभी अपने लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं भाई कौन सी कार जीतेगी क्योंकि अपना लास्ट राउंड होने वाला है गाइस टग ऑफ वॉर। तो गाइस अभी होने वाली है भाई दोनों गाड़ी के बीच में टग ऑफ वॉर और आप लोग देख सकते हो दोनों गाड़ियाँ पूरी तरीके से रेडी है, मैंने रस्सी यहाँ पे बांध दी है और इस टग ऑफ वॉर में हम कोई भी गाड़ी को ड्राइव नहीं करने वाले हैं। ये जो माइकल और ट्रेवर है ये इन दोनों गाड़ी को यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं और यहां पे भी हम दो राउंड कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि भाई ड्राइवर भाई साहब अपनी नई वाली थार को चलाएंगे, सेकंड राउंड में क्या होगा ड्राइवर एक्सचेंज हो जाएंगे और गाइस सिंपल सा फंडा है जो भी गाड़ी सबसे पहला भाई अपना फिनिश लाइन को टच करेगी वो इस टग ऑफ वॉर की विनर हो जाएगी। आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने फिनिश लाइन को लगा रखा है। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट और देखते हैं भाई असली में भाई कौन सी थार जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है इन गेम। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी टग ऑफ वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भैया नई वाली थार पुरानी थार को खींचना शुरू कर दिया है और पुरानी थार भाई अपनी जो है उसकी तरफ खींची चली जा रही है और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है। ओ नहीं नहीं गाइस यहाँ पे जो है भाई फर्स्ट राउंड में तो आई थिंक अपनी न्यू थार जीतने वाली है और यहाँ पे ड्राइवर का थोड़ा सा पंगा हो सकता है, मतलब ड्राइवर भाई साहब जब अपनी ओल्ड थार में बैठेंगे तब देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपनी पुरानी थार है गाइस वो यार काफ़ी ईजिली भाई यहाँ पे हार चुकी है अपनी न्यू थार से, बट भाई गाड़ी में पावर तो है। अभी देखना होगा सेकंड राउंड में क्या ये जीत पाती है नहीं। वैसे देख सकते हो भाई साहब माइकल ने खींच के ले गया है बट अभी खींचने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपनी न्यू वाली कार जीत चुके हैं। तो देखते हैं सेकंड राउंड में कौन सी कार जीतेगी। तो गाइस यहाँ पे जो अपना सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है और आप लोग देख सकते हो दोनों लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और अगेन भाई मैं क्या देख रहा हूँ भाई नई वाली थार ने भाई पुरानी थार को क्या खींच के ले जा रही है। ओ नहीं 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 गाइस यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो भाई क्लियर जो विनर है वो है भाई अपनी टग ऑफ वॉर की भाई न्यू वाली महिंद्रा थार, मतलब पुरानी वाली थार स्टिल काफ़ी सही है मतलब पावर वावर, बट यहाँ पे टग ऑफ वॉर में वो नहीं जीत पा रही है। और इस बार आप देख सकते हो अपने माइकल भाई साहब महिंद्रा थार को चला रहे हैं, पिछली बार ट्रेवर भाई साहब ने चलाया था न्यू वाली थार को। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो टग ऑफ वॉर में जो है भाई अपनी न्यू वाली थार जीत गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं पुरानी वाली थार को चला के देखूँ और देखते हैं क्या एक्चुअल में भाई अपनी न्यू थार ज़्यादा पावरफुल है अपनी पुरानी वाली थार से या फिर जो है
ड्राइवर का थोड़ा सा पंगा हो रहा है। तो गाइस आओ देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो गाइस इस बार मैं भाई अपनी पुरानी वाली थार को चलाने वाला हूँ और आप देख सकते हो नई वाली थार को माइकल चला रहा है। और नहीं नहीं ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मतलब वो थार जो माइकल था ना वो रिवर्स ले रहा था गाड़ी को और मेरे को लगा काफी इजिली खींच रही है। बट यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैं भाई पूरा ट्राई कर रहा हूँ पर यहाँ पे यार अपनी जो पुरानी वाली थार है वो स्टिल भाई न्यू थार को नहीं खींच पा रही है। मतलब मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ गाइस बट भाई पुरानी वो नई वाली थार जो है भाई पुरानी थार को मौका भी नहीं दे रही है। इवन मैं पूरा मतलब एकदम पिकअप बना के भी गाड़ी को चलाने का ट्राई कर रहा हूँ ना, फिर भी आप देख सकते हो गाइस गाड़ी के टायर घूम रहे हैं बट जो अपनी गाड़ी है भाई वो यार उसको नहीं खींच पा रही है। तो गाइस अपनी जो टग ऑफ वॉर की तो क्लियर विनर जो है वो है न्यू वाली महिंद्रा थार। अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे ट्राई तो कर रहा हूँ बट यार भाई नई वाली थार खींचने का नाम ही नहीं ले रही है यार। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, देखो भाई गाड़ी के टायर वायर सब स्केट मार जा रहे हैं बट यहाँ पे गाइस मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट जो अपनी नई वाली थार है भाई वो यहाँ पे भाई नहीं खिंच रही अपनी पुरानी वाली महिंद्रा थार से। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है कि आज के अपने पूरे बैटल की भाई कौन सी कार यहाँ पे विनर रही है। और गाइस अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंडर करा दूं कि ये वीडियो आपकी ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, इन वीडियो का भाई रियल लाइफ की गाड़ियों से कोई भी मतलब नहीं है। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन गाड़ियों को रियल लाइफ से तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। अब एक्चुअल में भी मेरे को नहीं पता है कि भाई अपनी नई वाली थार जो है वो ज्यादा पावरफुल है रियल लाइफ में या फिर अपनी पुरानी वाली महिंद्रा थार ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ आप लोग देख सकते हो गेम में तो भाई अपनी नई वाली महिंद्रा थार ज्यादा पावरफुल निकल के आई है। और बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे ना आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।